हेलो फ्रेंड्स, लेट्स स्टार्ट अवर न्यू टॉपिक टुडे, जीएसटी टैली। आप सबको तो पता ही होगा फ्रेंड्स कि अभी नया टैली का वर्जन आ चुका है 6.0.1 और 2 लेटेस्ट वर्जन, जिसमें आपको जो न्यू जीएसटी के रूल्स एंड रेगुलेशन है वो अप्लाई करने, गुड्स एंड सर्विसेज पे आपको वही सारी चीज़ें अप्लाई करने। यहाँ पे आपका नॉर्मली सबसे पहले जो क्रिएट कंपनी होगा उसमें नॉर्मली आपको जैसे आप कंपनी क्रिएट करते हैं वही कंपनी आपको क्रिएट करना है, कोई उसमें चेंजेस नहीं है। जैसे कि मैं न्यू कंपनी बनाता हूँ, चलिए मैं पहला टॉपिक स्टार्ट करते हैं, गुड्स परचेज एंड सेल्स। ठीक है, और वो स्टार्ट करने से पहले मैं एक चीज़ आपको बता दूँ कि जो इनडायरेक्ट टैक्स है, इनडायरेक्ट टैक्स मीन्स व्हाट दैट आर अप्लाइड ऑन द मैन्युफैक्चर और सेल्स ऑफ गुड्स एंड सर्विसेज। दिस इज इनिशियली पेड टू द गवर्नमेंट बाय एन इंटरमीडियरी हु देन एड्स द अमाउंट टू द टैक्स पेड टू द वैल्यू ऑफ द गुड्स एंड सर्विसेज एंड पास ऑन द टोटल अमाउंट टू द एंड यूजर। तो पहले जो हमारे गुड्स थे, जैसे कि अगर हम सेल करते थे या फिर सर्विस टैक्स में सर्विस टैक्स लगाते थे, सेल्स परचेज वैट लगाते थे, एंड अगर मैन्युफैक्चरिंग यूनिट्स होता तो उस पर क्या लगाते थे हम, एक्साइज ड्यूटी। पर अभी गवर्नमेंट ने क्या किया है कि ये तीनों का टैक्स एक सिंगल टैक्स मिला के क्या कर दिया आपका, जीएसटी, दैट मीन गुड्स एंड सर्विस टैक्स। तो इसके लिए आपको एक्साइज ड्यूटी, वैट एंड सर्विस टैक्स, इसका एप्लीकेबल अब आपको टैली में नहीं करना है, उसके बदले आपको करना है गुड्स एंड सर्विस टैक्स की एंट्री। पहला एकदम बेसिक टॉपिक स्टार्ट करते हैं, जैसे कि गुड्स परचेज एंड सेल्स इन जीएसटी। क्वेश्चन है, परचेज एंड कंप्यूटर क्वांटिटी 10 फ्रॉम रमेश ट्रेडर फॉर ₹10,000 पर यूनिट, सेल्स एंड लैपटॉप क्वांटिटी 10 टू हेमंत ट्रेडर फॉर ₹15,000 पर यूनिट। चलिए स्टार्ट करते हैं। इसको स्टार्ट करने से पहले आपको एक एक्टिवेशन करना होगा F11 F3 से नॉर्मल जो हम करते थे। यहाँ पे के वैट है, इसका यूज़ नहीं करना, एक्साइज ड्यूटी इसका भी, सर्विस टैक्स इसका भी यूज़ नहीं करना। तो हम यहाँ पे स्टार्ट करेंगे डायरेक्ट जीएसटी, इसको यस कीजिए, नीचे इसको भी यस कीजिए, स्टेट आपका महाराष्ट्र, रजिस्ट्रेशन टाइप आपका रेगुलर रहेगा, जीएसटी टिन नंबर आपका क्या रहता है मैं आपको बताता हूँ। जीएसटी जो टिन नंबर रहता है आपको, वो रहता है आपका, सबसे पहले आता है आपका कोड, स्टेट का कोड आता है, ओके। देन आपका आता है पैन कार्ड नंबर, उसके बाद थोड़ा देट की। तो आप इसको कैसे बना सकते हैं, महाराष्ट्र का कोड क्या 27, पैन कार्ड नंबर आप ऐसे क्रिएट कर सकते हैं। जैसे मैं एक डेमो क्रिएट करता हूँ पैन कार्ड का, डमी ABC A, उसके बाद मैंने डी डाल दिया, 1 2 3 4 डाल दिया, ए डाल दिया, और लास्ट में 1 Z Q, और सेम आपको यहाँ पे भी अप्लाई करना है। यहाँ पे 27 ABC A D 1 2 3 4 A 1 Z U, और इसको कॉपी कर लीजिए। टैली में अगर आपको कॉपी करना और पेस्ट करना, तो टैली में कॉपी का शॉर्टकट क्या आपको पता ही होगा, Alt+Ctrl+C, और पेस्ट के लिए Alt+Ctrl+V करते हैं। मैंने कॉपी किया Alt+Ctrl+C और एंटर किया, एप्लीकेबल फॉर्म। सबसे इम्पॉर्टेंट होती है डेट, तो आपको यहाँ पे 1 जुलाई रखना है, क्योंकि 1 जुलाई से आपका जीएसटी लागू हुआ था। इसको एंटर करके सेव कर दीजिए। चलिए अब इम्पॉर्टेंट होती है लेजर्स, लेजर्स बनाना स्टार्ट करते हैं। जैसे कि हम यहाँ पे परचेज एंड कंप्यूटर क्वान्टिटी 10 फ्रॉम रमेश ट्रेडर और हेमंत ट्रेडर, तो रमेश ट्रेडर आ जाएगा आपका सन्ड्री क्रेडिटर और हेमंत आ जाएगा सन्ड्री डेटर। तो ये पहले लेजर बना लेते हैं, अकाउंट इन्फो लेजर क्रिएट। पहले आपका क्या है, रमेश ट्रेडर, इसका अंडर क्या रहेगा, सन्ड्री क्रेडिटर, ओके। यहाँ से आपको ये सेस करना है। एक नया ऑप्शन आपको पार्टी लेजर में यहाँ पे आ चुका है, सेट अल्टर जीएसटी डिटेल, तो यहाँ पे आपको क्या करना होगा, यस। यहाँ पे आपको स्टेट पूछ रहा है महाराष्ट्र, तो यहाँ पे आपको अगर आप कोई और स्टेट के
में जीएसटी कर रहे हो तो आपको यहाँ से अपना स्टेट चेंज करना होगा, ठीक है। तो यस कीजिए। अगर आपका जो डीलर है, जैसे आप कुछ ख़रीदने वाले या बेचने वाले, अगर रेगुलर है तो रेगुलर आएगा, अगर वो आपका कंज्यूमर डायरेक्ट कंज्यूमर करे तो कंज्यूमर आएगा, अनरजिस्टर्ड है तो अनरजिस्टर्ड आएगा। मैंने आपका रेगुलर लिया। जीएसटी टिन नंबर वापस पूछ रहे हैं तो आपको लिखने की ज़रूरत नहीं है, आप डायरेक्ट ऑल्ट कंट्रोल भी दबाइए, यहाँ से वो पेस्ट हो जाएगा और इंटेंडर करके सेव कीजिए। सेम हेमन ट्रेडर्स के लिए सेंट्री डेटा आ जाएगा यहाँ पर, इंटेंडर करके सेव कीजिए। यहाँ पे यस कीजिए, यहाँ से आ जाएगा आपका रेगुलर, यहाँ से ऑल्ट कंट्रोल भी, ठीक है। ये हो गया अभी पार्टी लेजर। अब यहाँ पे दो लेजर कॉमन बनेंगे, जैसे कि परचेज के और सेल्स के। पहले याद है आपको, जब हम लोग वैट क्रिएट करते थे, अगर वैट का परसेंटेज रहता था 12.5 या 13.5, या अगर हम लोग उसमें अलग अलग वैट रेट्स अप्लाई करने की कोशिश करते थे, तो हम वैसे ही एक लेजर बनाते थे, जैसे कि परचेज एट द रेट ऑफ 13.5। तो एंटर करके अल्टर में जाते थे हम लोग उसको, और वहाँ पे स्पेस बार दबा के हम लोग क्या लेते थे, तो वहाँ पे स्पेस बार दबा के हम लोग जो वैट लेते थे। अब वो यहाँ पे आपको करने की ज़रूरत नहीं। अगर आपने डिसाइड किया है कि आपका जो स्टॉक आइटम है उस पर आपको पता है कि इतना परसेंट 5% लगने वाला है, या 0.25 लगने वाला है, या 18% लगने वाला है, 28% लगने वाला है, तो आप स्टॉक आइटम में ही रेट वहाँ डिसाइड कर के रख सकते हो। तो यहाँ पे आपको जो रेट डिसाइड आप करोगे, तो वो रेट आपको खाली यहाँ पे मेंशन करना है, और अल्टर में जाके आपको कुछ करने की ज़रूरत नहीं। जैसे कि एग्जांपल के तौर पे मैं यहाँ पे लिख देता हूँ कि इस पे मैं वैट अपना जीएसटी रेट लगाऊंगा, जैसे एग्जांपल के तौर पर मैंने लिख दिया 6%, ओके। और यहाँ पे मेरा जीएसटी का जो रेट्स रहेगा वो यहाँ पे, जैसे एग्जांपल के तौर पे मैंने लिख दिया 12%, इसको 6 में करते हैं, 5% कर देते, ठीक है। तो ये मैंने एक ऐसा डेमो के तौर पे मैंने यहाँ पे परसेंटेज डाल दिया, 5% एंड इट्स 12%, ओके। तो यहाँ पे हम लोग क्या करेंगे, परचेज में आपका लगा 5%, परचेज अकाउंट तो 5% लगेंगे, अंडर परचेज अकाउंट करेंगे। यहाँ से आपको देखिए, अगर आप यहाँ पे यस करोगे तो यहाँ पे आपको ये सारी डिटेल्स फिल अप करनी पड़ेगी, जो कि आपको करने की ज़रूरत अब नहीं है। यहाँ पे इसको नो कर दीजिए, और आप गुड्स खरीद रहे हो तो गुड्स लेना है, सर्विस खरीद रहे हो सर्विस लेना है, सेव कर दीजिए। ऐसे सेल्स एट रेट ऑफ 12%, सेल्स अकाउंट हो ही रहेगा यहाँ से गुड्स करके सेव। इतना करने के बाद अब जो जीएसटी के जो रेट्स हैं वो कैसे है, जीएसटी अगर आप विद इन स्टेट कुछ परचेज और सेल्स कर रहे हो, ओके, परचेज एंड सेल्स करते हो, तो आपको उस पर दो टैक्स लगता है। पहला लगता है आपको SGST, एंड दूसरा आपको लगता है CGST। दैट मीन्स S मीन फॉर सेल्स टैक्स एंड C मीन फॉर सेंट्रल टैक्स। और अगर आप GST आउट ऑफ स्टेट करते हो, ओके, तो आपको उस पर लगेगा IGST। आउट ऑफ स्टेट कर परचेज एंड सेल्स करते हो तो उस पर आपको क्या लगेगा, IGST। तो दोस्तों, जो मैं आपको आज वीडियो जो बता रहा हूँ उसमें मैं सिर्फ आपको SGST और CGST का एग्जांपल बताऊँगा। नेक्स्ट वीडियो जो मैं अभी अपलोड करते रहूँगा डे टू डे डेली बेसिस नीड के बेसिस के तौर पे, तो उसमें मैं आपको सेकेंड वीडियो IGST पे क्रिएट करूँगा, इन्फॉर्मेशन दूँगा। तो फिलहाल आपको आज SGST और CGST के जो रूल्स एंड रेगुलेशन, जो उनके नॉर्म्स है, टैली में कैसे अप्लाई करना है, उस पर ध्यान देना। तो यहाँ पे मैंने बनाया यहाँ पे CGST अंडर ड्यूटीज एंड टैक्सेस GST, और यहाँ से आपको लेना है सेंट्रल टैक्स, को सेव कर दीजिए। परसेंटेज डालने की आपको कुछ ज़रूरत नहीं यहाँ पे, SGST अंडर ड्यूटीज एंड टैक्सेस GST एंड यहाँ पे आपका क्या आ जाएगा, सेल्स टैक्स, स्टेट टैक्स, टैक्स बन गए। अब हमारा एक चीज़ बचा, इन्वेंट्री इन्फो स्टॉक आइटम, स्टॉक आइटम भी क्रिएट कर लेते हैं। सेल आप क्या कर रहे हो, कंप्यूटर, यहाँ पे कंप्यूटर लिख रहे हैं, यूनिट्स अंडर
ब्लैंक रह गई जो यूनिट्स में, आपको एक नया बना है तो ऑल सी करके आप पीसेस क्रिएट कीजिए। ठीक है, यहाँ से इसको यस कीजिए। अब यहाँ पे जीएसटी एप्लीकेबल यस है और नीचे आपको जो नो इसको करना है यस, क्योंकि यहाँ पे आपको रेट्स अब डालना है। डिस्क्रिप्शन, अच्छा यहाँ पे एक और एक चीज़ है, यहाँ पे डिस्क्रिप्शन एच एस एन वैल्यू और ये पूरे रेट्स नहीं आते, तो आप यहाँ पे F12 प्रेस करके यहाँ पे जो ऊपर वाला यस है जो नीचे वाला यस है इन दोनों को आपको, आपका बाय डिफॉल्ट नो रहेगा अगर आप फर्स्ट टाइम एक्टिवेट करेंगे, जैसे मैं आपको बता रहा हूँ आपका कुछ ऐसे दिखेगा। तो अगर आपको ये पूरा डिटेल्स में चाहिए तो आप फर्स्ट यस कीजिए, अलाउ एच एस एन कोर्स और शो ऑल जीएसटी टैक्स चार्ज को भी यस कीजिए। डिस्क्रिप्शन में आप लिख सकते हैं जैसे कंप्यूटर या जो आपको लिखना चाहिए आप लिख सकते हैं। अच्छे से कोड आपका एनी डिजिट डमी डिजिट आप क्रिएट कर सकते हैं। ऑन वैल्यू या आइटम रेट पे भी एक अलग टॉपिक है जो मैं आपको एक वीडियो बना के क्रिएट करके दिखाऊंगा, तो फिलहाल के लिए आपको लेना ऑन वैल्यू। टैक्सेबल, आपको टैक्सेबल लगाना है अगर आप, जैसे कुछ प्रोडक्ट्स हैं जिस पर अगर जीएसटी रेट्स नहीं लगाएं तो वो प्रोडक्ट यहाँ पे क्रिएट कर रहे हैं तो आपको यहाँ पे लेना होगा निल रेटेड और एक्सम। अभी कंप्यूटर पर मुझे पता है कि इस पर इतना परसेंट रेट लग चुका है, गवर्नमेंट डिसाइड किया, तो मैं यहाँ से ले लूँगा टैक्सेबल। परचेस कंप्यूटर पे मैंने कितना जीएसटी बोला है 5%, तो मैं पे डाल दूँगा 5% और सेंट्रल टैक्स डिवाइड हो जाएगा हाफ एंड सेल्स टैक्स डिवाइड हो जाएगा इंटेंड अगर इसको गुड्स पर लगाना है तो गुड्स पर क्रिएट करिए सेल। नेक्स्ट आएगा आपका लैपटॉप सेम एस ने लिख दिया लैपटॉप 7 digits ऑन वैल्यू टैक्सेबल सो कितना 12% डिवाइड 6x। ओके, अब इसकी एंट्री पास करेंगे हम लोग काउंटिंग वाउचर F9 परचेज। सबसे इम्पोर्टेंट होती है डेट। ओके, आप यहाँ पे सबसे पहले आपको यहाँ पे डेट चेंज करना है F2 से 1st of July। सप्लायर इनवॉइस नंबर आप कुछ भी लिख सकते हैं यहाँ पे, जैसे कि मैं यहाँ पे डाल देता हूँ ठीक है 1st July। इसको सेव कीजिए, पार्टी नेम मैंने ले लिया रमेश ट्रेडर और यहाँ से ले लिया परचेस। क्या मैं इससे परचेस करूँ, कंप्यूटर क्वान्टिटी कितनी थी 10 and 10,000 करके, और यहाँ पे आप क्या लगाएंगे CGST लगाएंगे SGST। टैक्स एनालिसिस पे आप जाके इसकी रिपोर्ट पूरी चेक कर सकते हैं डिटेल। देखिए 10 quantity खरीदा था 10,000 के रेट से तो 1 lakh होता है, और 1 lakh पे अगर आप टोटल 5% करते तो इट्स 5,000 और CGST SGST हाफ ऑफ डिवाइड होते 2,500 सेव कर देना। नेक्स्ट होता है सेल्स की एंट्री F8 से सेल्स, सेम वे यहाँ पे जो मैं लिख देता हूँ सेल्स वर्क, यहाँ पे मैंने लिया हेमंत ट्रेडर्स सेल्स लैपटॉप में सेल कर रहा हूँ क्वान्टिटी एंड रेट इज 15,000 एंड सेल CGST एंड SGST। यहाँ पे भी आप टैक्स एनालिसिस चेक कर सकते हैं सी डिवाइड एंड करके सेव। अब पहले हम लोग रिपोर्ट देखने के लिए जो सेव मेथड अप्लाई करते थे डिस्प्ले स्टैट्यूटरी रिपोर्ट वैट सर्विस टैक्स नंबर, तो सेम वैसे ही है, बट यहाँ पे क्या आ गया अभी जीएसटी पे क्लिक कीजिए। अगर आपने सेल्स की एंट्री की है तो आपको मिलेगी GST R1 में, और अगर आप परचेज की एंट्री करते हो वो आपको मिलेगी GST R2। तो दोनों आप देख सकते हैं GST R1 में आपको सेल्स की एंट्री मिल रही है B2B इनवॉइस, क्योंकि आपने बिजनेस टू बिजनेस किया तो इसलिए आपको यहाँ पे देखिएगा। अगर आप बिजनेस टू कस्टमर करोगे तो यहाँ पे और स्मॉल में ला जाइए सारी डिटेल्स। मैं नेक्स्ट वीडियो में जो होंगे शो करूँगा सबका मीनिंग क्या है, इसकी एंट्री कैसे पास होती है, यहाँ पे कैसे रिफ्लेक्ट होती है। ठीक है, और अगर आप बैक जाइए GST R2 में जाइए तो यहाँ पे आपको क्या दिखेगा B2B इनवॉइस आपका परचेज का 5,000 ये हो गया, और यहाँ पे आपका कितने हो गया 27,000।
तो आपको तो याद ही होगा वैट में हम कैसा करते थे, जो आपका परचेज का टोटल टैक्स आता है, जो आपका सेल्स का टैक्स आता है, वो माइनस करके हम गवर्नमेंट को पे करते हैं। और पहले हमारा यहीं पर ही ऑडिटर्स करके एक ऑप्शन आ जाता था। अब अगर यहाँ नहीं आ रहा है तो आप डायरेक्ट पेमेंट कर सकते हैं। पेमेंट करने से पहले आप बैलेंस शीट में जाइए, वहाँ पर आप अपनी लाइबिलिटीज चेक कीजिए, तो वहाँ पर आपको शो है कितना आपको गवर्नमेंट को टैक्स पे करना है। सी ड्यूटीज एंड टैक्सेज वॉट इज शोइंग 22,000, हाउ एंटर कीजिए। अभी देखिए ये CGST 11,000 एंड SGST 11,000 आपको शो कर रहा है। इसको आप कैलकुलेट कैसे करेंगे देखिए, यहाँ पे अगर आप यहाँ पे गौर करें तो 2,500 आपका आया था परचेज का, और सेल्स का आया था आपका 13,500, ठीक है, CGST। तो अगर इन दोनों को आप माइनस करते हैं 13,500 माइनस 2,500, आपको कितना बचता है 11,000। और सेम अगर आप SGST में जाएं तो परचेज का आया था आपको 2,500 और सेल्स का आया था 13,500, तो बचा कितना 11,000। यानी सेम कॉन्सेप्ट है, सेम रूल्स है, लेजर्स अलग, खाली लेजर्स अलग हैं और उसका प्रोसीजर अलग। तो कैसे करेंगे हम, इजी है, अकाउंटिंग वॉचर FI से पेमेंट, ठीक है, यहाँ पे ऑल्ट एस प्रेस कीजिए, यहाँ से ले लीजिए GST, फर्स्ट जून फर्स्ट जुलाई ले लीजिए, तो जुलाई डाल लीजिए, रेगुलर है आपका, रेगुलर पेमेंट है, रेगुलर लेना है आपको। ओके, अकाउंट में आप एक बैंक क्रिएट कर सकते हैं अंडर बैंक अकाउंट, और यहाँ से आप सबसे पहले लेंगे CGST 11,000, SGST 11,000, दोनों 0,0 हो चुका है, एंटर एंटर करके सेव कीजिए। अब आप जाके अपनी ड्यूटीज एंड टैक्सेस चेक कीजिए बैलेंस शीट में। सी ड्यूटी एंड टैक्सेस शोइंग नहीं, यानी आपने गवर्नमेंट को पे कर चुका है। ओके, थैंक्स फॉर वॉचिंग माई वीडियोस, थैंक यू, प्लीज़ सब्सक्राइब माई चैनल एंड लाइक माई वीडियोज़। जो भी डाउट है आप वहाँ पर कमेंट कर सकते हैं। और ये तो एकदम पहला एकदम शॉर्ट वीडियो था, बहुत ईजी वीडियो था, जो मैंने कॉन्सेप्ट एज अ बेसिक कॉन्सेप्ट लिए तैयार किया है। अभी इससे आगे मैं बहुत सारे वीडियो GST पे डालने वाला हूँ, जो कि अलग अलग रिलेटेड एंट्रीज होंगे और सब डिटेल में डेप्थ में मैं आपको कॉन्सेप्ट क्लियर करूँगा। थैंक यू।